हलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इनकी नम्बर चैनल पी पाकपो अब लास्ट टाइम चैनल प्लान एपी क्रियेट पड़े अभी पता क्लियर एक्सप्लेशन को बॉल रईस पड़े ओपनिंग क्रियेट पड़े अभी पी पाको सर अभी साफ्टवेर स्केचअप जस्ट प्रेस्पूल सेलेक्ट पड़ी प्रेस्पूल सेलेक्ट पड़े मेरी ना आलरे ट्रिम पड़ी अभी प्लान क्रियेट पड़े पता डीटेल ना लास्ट वीडियो को डाउट जस्ट चेक पड़ी पाँगें इपे डेरेक्टा को अब की ये स्लैब अब डेरेक्टा रेस आदि जस्ट और टाइम कंट्रोल प्रेस पड़े विटें पाती स्लैब इंडिजल वॉल इंडिजल रेस आगे इत वे ना और 10 फीट को 10 फीट को एंटर को ओके इतना फ्रंट पोर्शन मटोम लाइक ना अनफॉर्चुनेटा इंटर लाइन ड्रा पड़े मिस् पड़े और लाइन ड्रा पड़े पोटिको पोर्शन मादी ड्रा पड़े ड्रा पड़े पुष्पल पुष्पल पोर्शन मट से ड्रा पड़ी अब डन को पाती फ्लैट आड़चा ओके वेमेमें नीटर डोर्स विंडोस वेन अब जस्ट इं टेप इंस्ट्रूमेंट टेपेटे इंतजुद सिल हईट वो ना 3 फीट को नेक्स्ट लेंटल हईट वे 4 फीट को सो 4 फीट को इंतजुद्ध डिस्टेंस वेमो सपोज ना इत पक 1 फीट गैप अब इंत और 5 फीट विंडो वेन अब जस्ट क्लिक पड़े 5 फीट को रेक्टांगल कॉर्नर इतना ड्रा पड़को सो ईसिय अंतमी क्रियेट आचा नेक्स्ट इन विंडो वेन अब सेम टेपो टेप इंतजुद गैप अब इतने 2 फीट विंडो वेन सो 2 फीट विंडो को रेक्टांगल अपने क्लोज पड़ी ओके वेंटिलेटर वेन अब सेम प्रोसीजर सेम टेप कुछ गैप को इंतजुद जस्ट 2 फीट अब को अब इंतजुद मेल 2 फीट ओके को रेक्टांगुलर कॉर्नर क्लोज पड़ी ओके इंवेमेंट नेक्स्ट इंर मेन डोर को अब सेम टेप इंतर 1 फीट गैप को उपलब्धमो अतको डोर वो 3 फीट 6 इंचस वे मेन डोर अभी 3 फीट 6 इंचस को एंटर को फ्रम द ग्राउंड डोरो मैक्सिमम 7 फीट 7 फीट को सेम रेक्टांगल कॉर्नर को रेक्टांगल को ओके नेक्स्ट कस्टमाइज्ड डोर ओपनिंग वेन अब जस्ट इतना रेक्टांगल ओपनिंग मादी वे वोकें मेन डोर इप्ली वंटे ओपनिंग वे लाइन लाइन एंगे हईट वो हाउल को ना 6 फीट को 6 फीट को कुछ कर्व शेपा वो इंतजे अब वरण डेरक्टा कुछ अब राेसुन इनमें वरण इतमी उड़े और शेप क्रियेट पड़को उमारी वेमो अदारी को अगर विरपम सोलट पक आर्क अब अंदो अदक्ट मूवें कंट्रोल प्रेस पड़े पक मूव पड़ी करें ओके मूव पड़े अब फ्लिप पड़े राइट क्लिक सॉरी एस्केप एस्केप ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पड़ी सॉरी फ्लिप आगे निम्सें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मूव इंगेरुंदु और कंट्रोल प्रेस पड़े कॉपी मादिरी पड़े कॉपीना एन्नन्नु एल्लारुक्कुमे तेरियुम जस्ट
இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்ட்டா மவுஸ் லைன் மேலயே இருக்கணும் இங்க பாருங்க லைன் மேல இல்ல அப்படினா இந்த மாதிரி மிஸ் ஆயிடும் சோ மாத்தி கொடுத்துட்டு ஃபிளிப் அலாங் அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது உங்களுக்கு எந்த ஆக்சஸ்ல வேணுமோ இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுத்துருங்க ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ மூவ் எடுத்துட்டு இங்க இருந்து இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கோங்க சோ அன்நெசசரியா இத இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த மாதிரி டெலீட் பண்ணிடுங்க ஓகேயா இந்த மிஸ்டேக் இருக்குல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டு இந்த லைன் மேல கிளிக் பண்றோம் செலக்ட் பண்றோம் இந்த லைன் மேல கிளிக் பண்றோம் சோ ஓபன் ஆயிருக்குங்களா சேம் டோருக்கும் அதேதான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டு இந்த லைன் மேல கிளிக் பண்ணுங்க இந்த டோருக்கும் அப்படிதான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் இந்த லைன் மேல கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா எல்லாமே ஓபனிங் கிரியேட் ஆயிடும் ஓகே சோ இங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் थैंक यू फॉर வாட்சிங் திஸ் செஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல எப்படி டோர் விண்டோ கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க